हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आप सभी को अभी से शुभकामनाएं। और आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का डिटेल एनालिसिस, जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। हम लोग सब टॉपिक वाइज पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे। हम शुरुआत आज सिंधु घाटी सभ्यता से करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग आधुनिक भारत तक पहुंचेंगे। और जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो भी मैं बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा, तो जिससे वर्तमान की जो हिस्ट्री है वो आपकी तैयार हो जाएगी। और ये सारे वीडियो हैं आपको तमाम एग्जाम अभी आने वाले वन रक्षक के हैं, या फिर ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, SSC हो, ठीक है, और इसके बाद MPPSC का फ्री हो, उन सब में आपको ये सारे काम आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास की। इतिहास की हम लोग शुरुआत करेंगे, तो हम इतिहास में देखते हैं कि हमारे पास एक टेक्निक आती है, C14 टेक्निक, जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। C14 टेक्निक क्या होती है? C14 टेक्निक में तो पर्टिकुलरली C14 टेक्निक को अगर हम बात करें, इसको किसने ईजाद किया था, तो वो थे बी एफ लिबी, इन्होंने इसको बनाया था। अच्छा, इस तकनीकी में होता क्या है? इस तकनीकी में होता है कि है ना, जो तिथि का निर्धारण किया जाता है, इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी ही कम होती है वह उतनी ही प्राचीन मान ली जाती है। क्या? कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी उसको उतना प्राचीन मान लिया जाएगा। तो ये C14 टेक्निक है, इससे आयु का पता लगाते हैं। दूसरा BF लीवी, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था और ये अमेरिका के थे। तो ये हो गई हिस्ट्री की बात, हमें हिस्ट्री के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे दो नाम हमें याद रखने चाहिए जो बार बार पूछे जाते हैं। एक राखल दास बैनर्जी का नाम है, राखल दास बैनर्जी, जिनको हम मोहनजोदड़ो की खोज के लिए श्रेय देते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज का, ठीक है। और पाकिस्तान के सिंध का जो लरकाना जिला है वो अभी आपका मोहनजोदड़ो का हिस्सा आप मान सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, दूसरा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है रायपुर राय बहादुर, यहाँ पे दयाराम साहनी, क्या नाम है? दयाराम साहनी, जो सिंधु घाटी के लिए हम इनको जानते हैं, सिंधु घाटी के लिए, ठीक है। तो चलिए इसकी ही शुरुआत करते हैं हम लोग, इसी के यहीं से हमें शुरू करनी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो इसका जो एरिया रीन होता है, या जो पर्टिकुलर काल में इसको हम लोग देखने को मिलता है हमारे लिए, तो अच्छा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग एक लाइन मान के चलें, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो रहा है, ये जीसस क्राइस्ट की बर्थ हो गया, तो इसको हम लोग 0 ईस्वी मान लेते हैं। इससे पहले का समय BC कहलाता है, जिसको आप बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कहते हैं। इसके बाद का समय ईस्वी कहलाता है, जिसको आप आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट या एडिनो डोमिने बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमें याद होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि AD और BD क्या होता है, ईसा पूर्व और ईस्वी का समय। अगर हम लोग अभी के हिसाब से मान के चलें तो अभी हमारा चल रहा है 2023, 2023, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है लगभग 250 साल पुरानी है ईसा पूर्व। तो ये अप्रोक्सीमेटली जब आप इसको ऐड करेंगे तो 4500 साल पुराना आपका इतिहास किसका हो जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का हो जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करने से पहले एक और फैक्ट जान लेते हैं, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरिडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरिडोटस को कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता 250 से 1700 साल पुरानी है, और ये नगरीय व्यवस्था थी। ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है, उस समय के लोगों को नगर का ज्ञान था, उन समय के लोगों को पता था कि नगर नियोजन क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था? कृषि, जिसमें हम लोग गेहूं और जौ जो है प्रमुख फसलों के रूप में देखते हैं। अच्छा, इसका क्षेत्र देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे निरंतर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं चारों। तो अगर मैप के अनुसार हम लोग इसको समझना चाहें तो ये इजी हो जाता है। हम लोग जब बात करते हैं उत्तरी हिस्से की, उत्तरी हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर में मांदा मांदा के पास मा दा के पास फैला हुआ था। जबकि हम लोग बात करें जो इसके पास नदी थी बहुत ही चिनाब, ठीक है, और दक्षिण प्रस्थल जो गोदावरी की नदी तट पर था वो दाइमाबाद था। कौन सा था? दाइमाबाद। यहाँ पर आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी? गोदावरी। कौन सी? गोदावरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग है ना, जब हम बात करते हैं इसके पश्चिमी हिस्से की, तो सूतकेड़ और बलूचिस्तान की तरफ दिखाई देता है। सूतकेड़ और बलूचिस्तान की तरफ इस तरफ नदी थी दासक,
दाशक नदी थी, ये भी आप याद रखें। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो हमारा पूर्वी स्थल था वो हिंडन नदी के पास था। यहाँ पर कौन सी नदी थी? हिंडन, हिंडन नदी हुआ करती थी, और उसके पास था वो वाला स्थल, और इसको बोलते थे आलमगीरपुर, जो जिला अभी मेरठ में आता है। तो अगर हम लोग वर्तमान में बात करें, वर्तमान में कौन कौन से हिस्से कहाँ पर आते हैं, तो आलमगढ़ मेरठ, ठीक है, और ये बलूचिस्तान, और ये वाला जो है आपका कौन सा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और दाइमाबाद जिसको अहमदनगर बोला जाता है वर्तमान में, ये वाला। यहाँ गोदावरी नदी देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर आपको हिंडन नदी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको कौन सी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको चिनाब नदी में देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम लोग अगले फैक्ट की तरफ पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में 1526 में, किसने 1526 में जानकारी दी गई थी, तो जानकारी किसने दी थी? मेसान ने, सर जॉन मार्श, चार्ल्स मेसान थे, उन्होंने दी थी। सिंधु सभ्यता का उपयोग सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा जाता है, कौन से? ब्रॉन्ज युग। कौन सा? ब्रॉन्ज युग में रखा जाता है इनको, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चित्रात्मक कलाएं आपको मिलती है, जैसे कि स्वास्तिक, ठीक है, तो ये आपको एक चित्रात्मक लिपि यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल प्रारब्ध शिक्षा फॉलो नहीं किया है तो आप उस चैनल को फॉलो कर लें, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करें वीडियोस को, और अपने दोस्तों के साथ बांटें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं इस चीज़ को, और सभी तक, जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल को बांटें। पटवारी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे लगातार वीडियो आए, और उन लगातार वीडियो में से कई क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, ठीक है। तो उम्मीद है आगे भी हम इस तरीके से प्रयास करते रहेंगे जिससे आपकी एग्ज़ाम में मदद होती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इतिहास को अगर हम लोग देखें, इतिहास का विभाजन तीन तरीके का होता है। एक होता है प्री हिस्ट्री, जिसको आप प्रागैतिहासिक बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका प्रोटो, जिसको आप अर्धैतिहासिक बोलते हैं। फिर आपकी होती है हिस्ट्री। अच्छा, तीनों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है ना। आद्य ऐतिहासिक, जिसको आप प्रोटो बोल रहे थे, उसमें क्या होता है, जिसके लिखित प्रमाण मिलते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, तो ये हो गया आपका आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में क्या होता है, जिसके आपके पास जिस काल में लेखन कला की प्रचलन थी लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं, ठीक है। और ऐतिहासिक क्या होता है, ऐतिहासिक पढ़ सकते हैं और लिखे होते हैं, ऐतिहासिक हो गए। प्रागैतिहासिक क्या हो गए, पाषाण काल के हैं, जिसका मतलब है लिखित परिणाम नहीं मिलते। जैसे हम लोग बात करें जो समय, जिस समय हम लोगों के पास केवल जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण या उद्गत नहीं किया है, केवल उसको प्रागैतिहासिक बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा को जो है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे कहाँ पर है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, ठीक है, मॉन्टगोमरी में है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज की थी हमारे दयाराम साहनी, और इसमें माधव स्वरूप और बीलर थे, लेकिन आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है दयाराम साहनी, ये एक महत्वपूर्ण नाम है। और अभी अभी हम लोगों ने सिंधु का पढ़ा था, सिंधु में जो है हमारे पास दयाराम साहनी का नाम, सॉरी राखल दास बनर्जी का नाम मोहनजोदड़ो में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, बंदरगाह जो है लोथल है, क्या है, एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है जिसका नाम लोथल है, जो गुजरात में पाया जाता है। हड़प्पा के लोग लोहों को नहीं जानते थे, मिट्टी का रंग लाल राल होता था, चावल जो आपके लोहोतल से दाने मिले हैं, इसके कहाँ से मिले हैं, लोथल से इसके दाने मिले हैं, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से एक नृत्य की कांस्य की मूर्ति भी मिली है, अग्निकुंड, अगर लोथल, लोथल से अग्निकुंड भी मिला है, क्या मिला है, लोथल से अग्निकुंड भी मिला है, एवं कालीबंगन से भी प्राप्त हुआ है, तो ये भी आप याद रखें, ठीक है। लोथल और सूतकेदा से बंदरगाह के जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, रंगपुर में यहाँ पर माधव नदी के पास है, और जो आपका लोथल है वो भोगबा नदी गुजरात में है। तो मैंने वही फैक्ट डाले हैं जो आपको निरंतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ भी मैंने आपको यहाँ पर लिख कर नहीं समझाना चाह रहा हूँ,
जो आपका टाइम खराब करे। मोहनजोदड़ो, सिंधु, पाकिस्तान और लड़काना जिला। तो ये क्रोनोलॉजी है, लड़काना जिला पाकिस्तान में और यहाँ आपका मोहनजोदड़ो सिंधु वहाँ से संबंधित है, और ये नाम राखलदास बनर्जी मैं आपको बता चुका हूँ। कांस्य की जो मूर्ति मैंने अभी जिक्र किया, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है, ये भी आप याद रखें। और हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक नृसिंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता है पौधा दिखाया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा उस समय के लोग जो है समय से बहुत आगे थे, ठीक है ना, वो अलग ही लेवल के लोग थे। मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था जो नगरीय व्यवस्था थी वहाँ देखने को मिलती है। फिर अब लोग देखो, ये मोहनजोदड़ो से हमें जो इम्पोर्टेंट मिलता है वो क्या है, वो है हमारा अन्नागर और स्नानागार। स्नानागार और अन्नागार जो है बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड और बहुत ही ज़्यादा एक डायमेंशन में देखने को मिलते हैं। जैसे हम स्नानागार की बात करें तो सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 जो है घेरा। अब देखिए पूरा डायमेंशन का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता था। इतना जो है स्नानागार हमें वॉशिंग एरिया देखने को मिलता है उस समय, ठीक है। और मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, हम लोग बात करें मेसोपोटामिया की, तो दो नदियों के बीच की है। यहाँ पर आप मेसोपोटामिया यहाँ पर देखेंगे और दो नदियाँ उसके आसपास बहती हैं। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साइनिन कराई थी। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा मिठास के लिए शहद का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? शहद का। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे, याद रखें। लोथल और कालियाबंगा जो है अग्निकुंड मिले। क्या मिले? अग्निकुंड, मैंने पहले भी आपको बताया है अभी, ठीक है। लोथल और चंदनगढ़ से मनके बनाने की कारखाने मिले। मोहनजोदड़ो से मुर्दे का टीला कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, पहले बहुत पूछा जाता था एसएससी, इसका एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन था ये। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट क्या है? वैदिक काल। वैदिक काल जो है, वैदिक काल को दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। वैदिक काल को दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। एक है जो है वो आपका कौन सा है, 1500 से 1000 BC। कौन सा है? 1500 से 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल जो है आपका कौन सा है? उत्तर वैदिक काल जो है आपका 1000 से 600 BC के आसपास आप इस काल को रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आर्य जो है वो कहाँ से आए थे। अलग अलग पर अलग अलग बातें हैं आर्य कहाँ से आए थे। तो हम लोग जनरली मान के चलेंगे कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बताया। किसके अनुसार? ये मैक्स मूलर के अनुसार, ये भी आप याद रख लें, मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ। आप मैक्स मूलर लिख लें, यहाँ पे क्या लिख लें, मैक्स मूलर ने आर्यों का जो निवास है वो मध्य एशिया बताया। आर्यों द्वारा निर्वस वेद से वेंद्र सभ्यता कहलाई। यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी आर्यों की भाषा? संस्कृत थी। और इनकी जो, देखो अभी हम लोगों सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की बात करी तो वो एक कंस्ट्रक्टिव एक शहरी व्यवस्था थी। वहाँ मापन था, वहाँ गलियों में गलियाँ मेजरमेंट से बनती थी। लेकिन ये जो सभ्यता थी, ये जो आर्य सभ्यता थी, ये बिल्कुल पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। ग्रामीण उनका वो था, पूरा का पूरा ग्रामीण तरीके से वो लोग रहते थे, ठीक है। जैसे अब बात करें वेद हुए इस समय, कौन कौन से वेद हुए, ये भी आपसे पूछा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है। और निर्माता जो थे वेदों के वो कौन थे? महर्षि वेद व्यास, महर्षि कृष्ण वेदायन वेद व्यास, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद में हम लोग देखते हैं 10 मंडल हैं। कौन से 10 मंडल हैं आपके पास? ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं आपके, ठीक है। और कितने सूक्त हैं उसमें? उसमें 1028 आपके सूक्त देखने को मिल जाएंगे। और ये 1500 से 1000 ईस्वी के आसपास आपको मिलते हैं देखने को, ठीक। अच्छा, ऋग्वेद से जुड़ी हुई एक बात और जो आपको मैं बता सकता हूँ वो है कि ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि को होत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है, ठीक है। और ये बहुत आपसे पूछा जाता है। और जो नवमंडल है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सरस्वती को समर्पित गायत्री मंत्र मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा और सातवां मंडल इसमें सबसे प्राचीन है। कौन सा है? सबसे प्राचीन कौन सा है? दूसरा और सातवां मंडल, फर्स्ट और टेंथ नंबर का है, सबसे बाद में जोड़ा गया है। नवे मंडल में सोमदेव कहा जाता है, ठीक है। और ब्रह्म राक्षस, मैंने होत्र आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो
जो तीसरे मंडल में सूर्यदेव, सावित्री और गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। यजुर्वेद का मतलब देखो, हम इसको निमोनिक से याद रखते हैं, जो इन चीज़ों में, जो इनमें काम की चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ। यजुर्वेद मतलब यज्ञ, यज्ञ से संबंधित चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। सामदेव, साम मतलब जो आप पोलाइटनेस से आ जाते, साम हो जाते, काम हो जाते, तो गीत गायन का जो सभ्यता है यहाँ पर मिलेगी। अर्थवेद मतलब तंत्र, विचार, अंधविश्वास, ये सब कुछ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अर्थवेद में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद वेदांग देखते हैं। वेदांग कितने आपके, वेदांग 6 हैं, वेद 4 हैं। तंत्र मंत्र से संबंधित अर्थवेद, संगीत, सामवेद और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, सावित्री सूर्य देवता मैंने अभी बताया था आपको, तीसरा जो है इसका मंडल है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं गोत्र शब्द जो है वो अर्थवेद में, भगवत धर्म के प्रवर्तक किसने थे, आर्य की जानकारी आपको ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। ठीक है, प्रमुख देवता इंद्र है, इंद्र का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है वेदों में, आप इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, सभ्यता की दृष्टि से देखें तो भी हमारे पास इंद्र का लगभग 250 बार, 250 और अग्नि पर 200 ऋचाएं लिखी गई थी उस समय। ठीक है, तो ये एक डाटा है जो आपको पूछा जा सकता है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आर्य सबसे पहले कहाँ बसे, तो पंजाब के अफगानिस्तान में, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक आपको फैक्ट भी याद रखना चाहिए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। वेद व्यास और जय संहिता रजनामा फारसी में उसको कहा जाता है अगर देखें तो, ये भी आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। तो ये महाभारत जो है वेद व्यास ने रचित की थी, जय संहिता इसका दूसरा नाम है, रजनामा इसको फारसी टाइटल है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा। अब हम बात करेंगे जो है अगला धर्म, जो शुरुआत करते हैं हम लोग जैन समुदाय से। किससे, जैन समुदाय से। इससे कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन पे हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं ना। तो जैन धर्म की जब हम बात करते हैं, जैन धर्म का जो उल्लेख है आपको वो है कहाँ, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे, प्रथम तीर्थंकर कह लीजिए या संस्थापक कह लीजिए, जो हैं आपके ऋषभ देव जी हैं। कौन है, आचार्य ऋषभ देव जी। ठीक है, जैन धर्म में 23 तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंश से अश्वसेन के पुत्र थे, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकार किया। इनके द्वारा रचित जो शिक्षा है वह हिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ये 4 चीज़ें जैन धर्म का जो है बेस होती हैं। चोरी ना करना, हिंसा करना, हिंसा ना करना सॉरी, सत्य बोलना और संपत्ति ना रखना। जिन मतलब क्या होता है, जिन मतलब होता है जीतने वाला, ईश्वर बनाता है लेकिन कर्म इंसान का है, ये बात होती है। तो ऋषभ देव जो थे 8वां रूप माने जाते हैं भगवान विष्णु का। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जिनका नाम वर्धमान भी है, तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्रों में मिलता है। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म जो था वैशाली में हुआ था। तो वो कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में, BC में, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ के सरदार सिद्धार्थ ज्ञातृक कुल के जो है आपके सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी थी और राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, तो ये आप देखिए, मतलब एक महावीर स्वामी कुछ ऐसे परिवार से नहीं आए थे कि जो गरीबी में भोफलसी में पढ़ रहा हो, वो एक राजा थे। और राजा जब इन सब चीज़ों का त्याग करता है तो ये बड़ा त्याग माना जाता है, क्योंकि आप त्याग उसी चीज़ का कर सकते हैं जो चीज़ आपके पास हो। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो 540 में जन्म, वैशाली कुंडलग्राम में, पापा का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। शादी जो उनकी हुई थी, उनकी कहाँ से, यशोदा से हुई थी। किस नाम थे, यशोदा। और एवं पुत्री का नाम अनुजा, ठीक है, प्रियदर्शनी था। और प्रथम शख्स जो इनके दमादी थे जमाली, जिनका नाम था। ठीक है, प्रथम अनुयायी जो थे जमाली, जमाली कौन थे, इनके दमाद भी थे। मगध नरेश में उपदेश दिए थे। बिंबिसार हर्यक वंश का जो था वो भी इनके उपासक थे। ठीक है, तो जैन धर्म में 3 रतन होते हैं। तो 3 रतन बहुत हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैन धर्म के ये 3 ग्रंथ होते हैं, पिछले जन्म से मुक्त करने के लिए इन्होंने ये बताया हुआ है। ठीक है, 2 तरीके के
यहाँ पर आपको डिवीजन देखने को मिलेगा महावीर स्वामी के बाद श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए इसको कहानी को समझ, ठीक है। तो ये कैसे दो हिस्सों में बट गए, देखो समय के साथ साथ समय जो चीज़ें होती हैं मतभेद और भेद और बातों में अलगाव देखने को मिल जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि लगभग 300 ईसा वर्ष पूर्व 300 ईसा वर्ष पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रवायु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ रह गए, मगध में ही रुक गए। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बाद 16 महाजनपद भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसमें आपको मगध बताऊंगा। अभी जो बिहार वाला हिस्सा वो है, आप अभी के लिए इतना मान के चल सकते हैं। तो कुछ अनुयायी थे वो स्थूल सत्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रवायु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, ठीक है। तो भद्रवायु जब बाहर निकले, बाहर से आए, तो जो वापस लौटे तो उनके साथ मतभेद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर में टूट गया। तो कहा एक किदवंती और है कि ऐसा कहा जाता है कि जो भद्रवाहु थे उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए थे, और जो स्थूल भद्र थे वो जिस जो मूल जैन समाज जैन धर्म था उसमें ही रहे। तो इस तरीके से इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, तो यहाँ से ये श्वेतांबर और दिगंबर में टूट गए। दिगंबर का मतलब क्या होता है, जो नग्न रहने वाले मुनिजी साहब, आपने देखे होंगे मुनिजी जो होते हैं बिना वस्त्र के रहते हैं, और जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, श्वेतांबर, क्या बोलते हैं, श्वेतांबर। तो ये दो हिस्सों में इस तरीके से बढ़ गया। मोक्ष प्राप्त करने ही मूल उद्देश्य है जैन धर्म का, या फिर किसी भी धर्म का उद्देश्य यही होता है, ठीक है। तो प्रथम सभाएं जब हुई इनकी, तो वो हुई पाटलिपुत्र में, कब हुई, 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी, किसके बारे में, और उस समय अध्यक्ष कौन था, स्थूल भद्र, कौन था, स्थूल भद्र जो थे उनके अध्यक्ष थे उस समय प्रथम। जो दूसरी थी वो थी गुजरात की वल्लभी में, और इस समय अध्यक्ष कौन था, क्षमा श्रवण, कौन था, क्षमा श्रवण इस समय अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। तो साहित्य है वो, उसका नाम क्या है, आगम्य है, क्या नाम उसका, आगम्य साहित्य है, ठीक है। तो एक एक जानकारी आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने इतना देखा, और ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम लोग जो महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करें, तो मृत्यु जो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में, कब हुई, 72 वर्ष की आयु में, और कहाँ हुई, ये हुई महा मृत्यु जो थी, या फिर निर्माण जो था, निर्माण कहना ज़्यादा सही होगा, मैं अपने मृत्यु शब्द के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मृत्यु छोटे लोगों के लिए होता है, बड़े लोग महान लोग निर्माण को प्राप्त होते हैं। 468 ईसा पूर्व में इनकी पावापुरी में इनकी जो है अभी राजगिरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। तो इसी के तारे अब हम लोग आगे जो है हम बात करेंगे अगले समुदाय की, या फिर अगले धर्म की, उसका नाम है बुद्ध धर्म। कौन है, बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म जो है, अगर हम बात करें बुद्ध धर्म की, गौतम बुद्ध से शुरू होता है, और गौतम बुद्ध का जो जो है इन्हें एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया क्या बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया क्या बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इन्हें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गौतम बुद्ध जो है, उनका जन्म हुआ था 563 563 BC में, कपिल वस्तु के लुम्नी ग्राम में इनका जन्म हुआ। पिता शुद्धोदन गण शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी ने मृत्यु इनके मृत्यु के इनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी मौत हो गई। तो इनके लालन पालन जो था उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है। तो ये महामाया है, इनके पिताजी हैं, ठीक है। और जो इनकी मौसी कहा जाता है, वो मौसी थी प्रजापति गौतमी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखें 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ इनका जो है विवाह हो गया, और इनका पुत्र था, उनका नाम था राहुल। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। कहा यह जाता है कि देखो इनके जमाने जब इनका वर्थ हुआ, तो ये कहा गया है कि इनको है ना ये या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे, या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। सन्यासी ना बने इसलिए इनके पिता ने उनको हमेशा महलों के अंदर रखा। कहाँ रखा, महलों के अंदर। लेकिन एक दिन ये अचानक जब जा रहे थे, तो इन्होंने 3 घटनाएं देखी, एक बूढ़ा मरता हुआ आदमी, एक रोग से पीड़ित व्यक्ति, और ये एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। चार चीज़ें थी, सॉरी 3 नहीं थी, शव और एक सन्यासी। ये चार चीज़ें देखकर इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, और 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में ये सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महान विनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या बोला जाता है, महाविनिष्क्रमण। ये रचना घटना जो है आपको याद रखनी चाहिए। तो ज्ञान की प्राप्ति, निर्माण, उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन, और जो मृत्यु थी वो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं निर्माण। क्या बोलते हैं, निर्माण। मैंने अभी बताया था महान लोग जो हैं वो आपका निर्माण को प्राप्त होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, ठीक है।
महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है, महा भी लगा लीजिए इसमें, महापरिनिर्वाण धर्मचक्र परिवर्तन उपदेश को बोला जाता है, जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसको निर्वाण बोला जाता है। ये फैक्ट जो है आपसे रेगुलर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने वही वही फैक्ट डाले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। आप सोच रहे हो कि बहुत कम है, नहीं यही पूछा जाता है। आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ लें और आए नहीं कुछ तो कोई मतलब नहीं है। तो 35 साल की उम्र में उनको पीपल के नीचे बिहार में इनको आपको फल्गुन नदी के पास निर्जना नदी थी वहाँ पर इनको निर्माण की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो किदवंती और जो कहानी है और जो हकीकत है वो किस तरीके से है कि अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, क्या नाम है, निरंजना, निरंजना नदी के किनारे जो फल्गुन महा था, वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए, बुद्ध, किस नाम से जाने जाए, बुद्ध। ठीक है, तो ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे वो दिए थे पाली भाषा में, किस में दिए थे, पाली भाषा में। और जैन धर्म में मैंने आपको बताना भूल गया, जैन धर्म जो है वो है प्राकृत, प्राकृत जो भाषा है वो किसकी, जैन की, और बुद्ध की जो भाषा है वो पाली है। वाराणसी के निकट महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए और उनकी मृत्यु 483 में 80 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। हमें यहाँ पर संगतियाँ की बात की जाएगी, वो भी आपसे लगातार पूछी जाती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब माना यह जाता है कि इनका जो महापरिनिर्वाण था वो हुआ कुशीनगर में, तो इसीलिए कुशीनगर को इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। लोग जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने एक किदवंती है कि इन्हें किसी ने गलत चीज़ खिला दी थी तो उस वजह से ही हो गया था। ठीक है, खैर अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बिंबिसार जो हर्यक वंश का था, उनका जो बच्चा था वो हर्यक, अजात शत्रु, फिर मौर्य सम्राट अशोक, कुषाण, कनिष्क, पाल वंश, गोपाल, ये सब बुद्ध धर्म के अनुयायी राजा रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया भर में अगर हम लोग देखें, अगर डेटा के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो है क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले लोग, दूसरे बाद इस्लाम, हिंदू, फिर उसके बाद बुद्ध धर्म 6th नंबर पे आता है, ये डाटा है। ठीक है, फिर कौशल देश की जो श्रावस्ती से सबसे पहले उपदेश दिए थे उन्होंने। ठीक है, हीनयान और महायान में दो प्रकार से ये भी टूट गया कुछ समय के बाद। हीनयान परिवर्तन ना आए, वो चाहते थे कि परिवर्तन ना हो। महायान जो परिवर्तन आए, इनको आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और एक और जो नया धर्म टूटा उसमें वज्रयान था, जिसमें तंत्र मंत्र की बात की गई। 3 रत्न होते हैं इनके, बुद्ध धम्म संघ, क्या है, बुद्ध धम्म संघ, इनके 3 रत्न होते हैं। पहली महिला जो थी गौतमी महिला थी, गौतमी थी। अजंता जो जातक ग्रंथों का चित्रण मिलता है जो बुद्ध के लिए फेमस है। ठीक है, फिर इसके बाद बुद्ध चरित्र और उनके लेखक जो थे वो एसबगोस। बुद्ध की 4 संगतियाँ, ये इम्पोर्टेंट है, इनको रट लेना, भूल ना जाना, फिर ना कहना बताया नहीं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी हैं 4 संगतियाँ। पहली है राजगिरी में जो हुई थी, उस समय जो शासनकाल था वो अजातशत्रु का था, अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे, कौन थे, महाकश्यप। ठीक है, तो और हुई कब थी, 483 BC में। ठीक है, ये भी आप याद रखें। सेकंड थी जो वैशाली में हुई थी, सभाकामी उस समय अध्यक्ष थे, कौन थे, सभाकामी उस समय अध्यक्ष थे। मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसका कम करेंगे तो शायद सही रहेगा। हाँ ठीक है, सभाकामी उस समय अध्यक्ष थे और 383 में ये काम हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग तृतीयभूत संगति जो आपकी पाटलिपुत्र अशोक के समय हुई थी, ये किस धर्म में हुई थी, ये हुई थी 255 BC में। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। और इस समय अध्यक्ष कौन था, मोगली पुत्र तिस, और तिस आप तिस से समझ लीजिए। ठीक है, चौथी जो थी वो कश्मीर में हुई थी कनिष्क के टाइम पे, कुंडल वन जिसको बोलते हैं, कुंडल वन। ठीक है, ये 1st ईस्वी में हुई थी। और चौथी थी, इस समय अध्यक्ष था अश्वघोष वसुमित्र, ये 2 लोग इसके अध्यक्ष थे। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, पहली 483 में राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष थे अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी 383 में वैशाली में सभाकामी अध्यक्ष कालाशोक उस समय राजक थे, तृतीय जो थी 255 BC में पाटलिपुत्र मोगलितुस और अशोक इसके शासनकाल में थी, और चतुर्थ जो थी 1st ईस्वी में कुंडलपुर वसुदेव और अशोकघोष उसके अध्यक्ष थे, और कनिष्ठ जो थे आपके उसके जो रूलर थे उस समय। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हम लोगों ने बात की। अब इसके बाद हम लोग, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो अब हम लोग मगध जो साम्राज्य को अगले वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं,
उम्मीद है आपको ये पूरा हिस्ट्री समझ में आया होगा। इसको बार बार डाउनलोड कर लीजिए, बार बार सुनते रहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, मगध साम्राज्य से शुरुआत करेंगे। जब तक के लिए हर परीक्षा की तैयारी में जी जान से लगे रहिए, जो भी आपका गोल है उसे पाने के लिए सब कुछ भूल जाइए। और एक चीज़ जो आपको नहीं भूलनी है वो है प्रारब्ध शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रारब्ध शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें और लोगों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।